अजमेर में रोजगार मेले का हुआ आयोजन, 121 युवाओं को दिए नियुक्ति पत्र। मेघवाल बोले 2024 में कर्नाटक में बीजेपी एमपी के चुनाव में जीत दर्ज करवाएगी। शादी में जा रहे दो युवकों की हादसे में हुई मौत। टक्कर इतनी तेज थी कि मोटरसाइकिल सवार उछलकर दूर जा गिरे, एक गंभीर रूप से घायल। सूचना मिलने पर सरवार थाना पुलिस मौके पर पहुंची। अजमेर में माकड़वाली रोड पर स्कूटी चालक को पीछे से आ रहे डंपर ने मारी टक्कर। कृष्णगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को जेलन अस्पताल भेजा गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। अजमेर में महिला उत्पीड़न मामले की जांच में कोताही, एएसआई सस्पेंड, दरगाह थाना प्रभारी लाइन हाजिर, आईजी ने जारी किया निर्देश। डीपीएस तबीजी अजमेर, जहां एकेडमिक के साथ है डांस, म्यूजिक, जूडो, कराटे, आर्चरी, शूटिंग, हॉर्स राइडिंग, इंडोर थर्मल स्विमिंग पूल। डीडीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल नियर तबीजी फार्म रोड अजमेर। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू 12th, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। अजमेर में दो लोगों से ऑनलाइन ठगी करने का मामला। कमाई का लालच देकर ठगे 1.18 लाख तो दूसरे से हटते 1.64 लाख रुपए। साइबर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। एचआर कुड़ी पहुंचे मार्बल सिटी किशनगढ़। राज्य स्तरीय पुलिस जवाबदेही कमेटी के अध्यक्ष है जस्टिस एचआर कुड़ी। नगर परिषद स्थित सभागार में प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ की बैठक। कानून व्यवस्था को लेकर क्षेत्र का लिया फीडबैक। आईपीएल के इस सीजन में 62 लीग मैच खत्म होने के बाद प्लेऑफ की पहली टीम मिली। गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 19 रन से हराया। टेबल टॉपर गुजरात ने किया क्वालिफाई। मुंबई के पास नंबर 2 बढ़ने का मौका। सीएसके के अंतिम लीग मैच के बाद इंग्लैंड लौटेंगे स्टॉक्स। एसेज की तैयारी करेंगे, इस सीजन में केवल 2 मैच खेल सके। अमिताभ बच्चन अनुष्का शर्मा के खिलाफ एक्शन लेगी मुंबई पुलिस। बिना हेलमेट बाइक पर सवारी पड़ी भारी, यूजर्स ने याद दिलाए ट्रैफिक रूल्स। फिल्म द कैरल स्टोरी की रिलीज पर रोक लगाने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जमीयत उलेमा ने फिल्म की रिलीज रोकने की मांग की है।